कुर्ता स्टाइल में। आप लोगों के साथ रावलपिंडी चाइना सेंटर में मैंने खान वैरायटी की एक शॉप शेयर की थी और वहां से मैंने ड्रेसेस भी लिए थे। अब उनको डिजाइन करने की बारी आ गई है। मुझे ऐसे लगता है कि इतनी ज्यादा गर्मी में ना इस तरह के कॉट सेट्स काफी कम्फर्टेबल लगते हैं, चाहे वो आपने घर में पहनने हो या आपने यूनिवर्सिटी पहन के जाने हो या आपने किसी वर्क प्लेस पे पहनने हो। ये यूजली वो तमाम प्रिंट्स हैं जो मैंने एथनिक पर देखे हुए हैं, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव और मुझे काफी ज्यादा टेलर की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि टेलर शेयर कर दें। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपना टेलर भी शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सो लास्ट व्लॉग में मैंने खान वैरायटी की आपको डिटेल से वीडियो दिखाई थी, जिसमें मैंने लॉन के टू पीस एंड थ्री पीस की काफ़ी ह्यूज कलेक्शन आप लोगों को दिखाई थी। यहाँ से मैंने टू पीस में से ही ड्रेस लिया है, आप लोग थोड़ा सा देख लें यहाँ पर। और अगर आप डिटेल में व्लॉग देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर थंबनेल लगा दूंगी। अगर आप लोगों ने फुल वैरायटी देखनी हो तो आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको टू पीस की वैरायटी दिखा रही हूँ जिनकी प्राइसेस 2000 रुपीज़ में है। वैसे आपको लोकल मार्केट में हर प्राइस में फैब्रिक मिल जाता है, लेकिन फैब्रिक की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो चीप फैब्रिक होता है उसका कभी कलर भी निकल जाता है और बाज़ दफ़ा वो सी थ्रू भी होता है। सो हमेशा मेक श्योर किया करें कि अगर थोड़ा सा फैब्रिक एक्सपेंसिव कहीं से मिल भी रहा है तो उसकी क्वालिटी हमेशा अच्छी होती है। सो यहाँ से जो मैंने फैब्रिक लिए इनके पास इतने खूबसूरत प्रिंट्स थे, लाइक ये तमाम प्रिंट ना आपको एथनिक पर मिलते हैं और एथनिक के प्रिंट्स होते बहुत प्यारे हैं, बट उनकी स्टिचिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होती, जो कि वन गो में पहनने से ही फट जाते हैं और इतने ज़्यादा वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे जब यहाँ से मिले तो यहाँ से लेके हम उसको खुद सेल्फ डिज़ाइन करते हैं। जी ये भी 2000। ये जरी लॉन है, इसके बीच में से ज़रा दिखा दें, ये हल्का सा और बैक साइड भी दिखा दें, ये जरी फ्री है, ठीक है। ये भी जरी लॉन है, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है। आपको जो है 30 पेन डिज़ाइन है, ये देखें जरी, बड़ी कंफर्टेबल सी लॉन है भाई, बहुत प्यारे लग रही है। मैं यहाँ से लेके घर जाके इन्हें श्रिंक करूंगी ना, फिर मैं जब वीडियो डालूंगी तो मैं जब उसमें डिजाइनिंग दिखाऊंगी तो वीडियो कर दूंगी कि ये क्या वाकई अच्छी लॉन है या नहीं है। ये डोरियल, अच्छा ये डोरियल, इसकी बैक भी दिखा दूँ ताकि आइडिया हो जाए कि डोरियल लॉन है। ये भी डोरियल लॉन के मेरे ना ये फ्लावर में ये ग्राफ के ये बना ये कलर प्यारा लग रहा ना कॉट सेट के लिहाज से, कि ये ऐसा इस तरह ब्लैक दुपट्टा भी आपका चल जाएगा, हर किसी के पास देखने में ब्लैक होता है। ये सब आपको 2000 रुपए छोड़ देंगे। ये डिजाइन देखिए आप, बहुत प्यारा डिजाइन है, फुल सूट बहुत प्यारा लग रहा है, ये बहुत प्यारा डिजाइन है, बहुत ही प्यारा है। आप इसको बीच में दिखा रहे हो, हां ये देखो, ये प्रिंट, ये भी बड़ा ही प्यारा डिजाइन है, ब्लैक में, ब्लैक एंड पिंक में, ये भी बहुत प्यारा है। इसके बीच में भी आई थिंक थोड़ी सी डोरिया है, डोरिया ये तार है, और दरमिया में जो है जरी, हाँ, जरी भी है, ठीक है, इसके बीच में ये भी बहुत ही प्यारा डिजाइन है, इसमें ये डिजाइन है, इसके बीच में कुछ नहीं है, ये खाली डिजिटल प्रिंट में बना हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें ये डिजाइन है, ये भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट के डिजिटल प्रिंट के डिजाइन है, ये भी बहुत प्यारा। सब आपको ये 2000 रुपए में मिल जाएंगे, ठीक है, ये आपको कॉस्ट से मिलेंगे 3000 में। और ये सारे डिफरेंट एंड ब्रांडेड डिजाइन है, यूजुअली ऐसे डिजाइन ब्रांड्स के होते हैं, खाटी एथनिक से मिलते हैं आपको, ये आप देखें, आप यहाँ से लेके कॉट से, जैसे आप लोग गाड़ी पे जाओ तो इधर आए कर खान दुकान में सारे डिजाइन है मिलेगा भाई, खान बहुत प्यारे डिजाइन है इनके पास, बहुत ही प्यारे, इसमें ये डिजाइन है। एवरी वीक इनके पास वैरायटी आती है तो हम कोशिश करेंगे कि एवरी वीक इनकी शॉप का, हमारे पास जो है 2 दिन के बाद वो रेट ही आते हैं, 2 दिन के बाद, 2 दिन मैं फिर विजिट करती रहा करूंगी, जैसे ही न्यू वैरायटी आएगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देख ये डिजाइन है, ये सब 2000 का माल है, ये देखो ब्लैक ब्रांड देख लीजिए, वाह, कितना सुंदर है।
अब मैं आपको कमर्शियल मार्केट की रंग वाली गली में लेकर जा रही हूँ। बहुत सारे लोगों को वो गली नहीं मिलती। मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं डिटेल में उस गली का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको एक एक चीज़ देखने को मिलेगी, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे हाथ का काम करने वाले हों, पीको, ओवरलुक, एवरीथिंग। अभी मुझे इस ड्रेस के साथ लेसेस लेनी थी। ये वो लेसेस हैं जब हमने लास्ट टाइम माहा के साथ चैलेंज किया था, अंडर 5 के चैलेंज, तो मैंने वली शॉप लेस सेंटर से लेसेस ली थी। ये 3D लेसेस थी। आजकल ये मार्केट में बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, तो कमर्शियल मार्केट में जैसे ही आप रंग वाली गली में एंटर होंगे तो टाइनी ज्वेलर्स के बिल्कुल सामने इनकी शॉप है और आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। यहाँ से सिर्फ मुझे स्लीव्स के लिए लेस चाहिए थी और अब मैं आ गई थी शान सरी पर हैंडमेड टैसल्स बनवाने के लिए, क्योंकि यूजुअली जितने भी डिज़ाइनर के ड्रेसेस होते हैं ना, उनकी नेक लाइन के ऊपर हाथ के बने हुए ही टैसल्स लगे हुए होते हैं। तो इनको मैंने अपना ड्रेस दिया था और इनको बोला कि साइड से इसका थोड़ा सा पीस ले लें और इसके अंदर जितने भी कलर्स हैं ना, तो मल्टी कलर के मुझे टैसल्स बना दें। अच्छा, अभी मैं आगे आपको टैसल दिखाऊंगी कि मैंने कौन से वाले टैसल बनवाए हैं इनसे। तो यहाँ पर इन्होंने ये पीस ले लिया था और मैंने इनको टैसल बनने दे दिए। देन हम आ गए थे गोल मार्केट में उमर टेलर के पास, जो कि जिनसे मैं कपड़े सिलवाती हूँ। और खड़ी हुई हूँ और बीच में ये लगाया था एक पर्पल सूट हमने, बिल्कुल याद है, जॉइंट में जो आया था। हाँ, ठीक हो गया। ये आपने उस तरह से लगा भी आपने सेंड कर देने। हाँ, ये आपने उस तरह बनाने, लेकिन इसके फ्लावर तो नहीं छुप जाएंगे? फ्लावर छुप जाएंगे, फ्लावर छुप जाएंगे। ये आएगा ना, तो फिर क्या हल होगा इसका? मैं कह रही हूँ 3D भी ना छुपे, ये इसके साथ थोड़ा एनहांस करे। पता है क्या होगा, मतलब स्कैल्प नहीं बन सकते, या फिर स्कैल्प ये ऐसे रखे ना, इसके ऊपर ऐसे लगानी पड़ेगी। ये तो ऐसे लगा दें। हाँ, यूं लगा दें, ये यूं लगा दें, ऊपर ऐसे लगा दें, यूं लगा दें, ताकि वो एप्लिक करने पे एक्सपेंसिव पड़ेगा, सिलाई से कर देंगे। ये लगा दें इसके ऊपर जरा थोड़ा खूबसूरत, फिर आगे बाजू के स्कैल्प बना दें, आगे बना देंगे। हाँ, इसको ऐसे कर दें, इसको आगे स्कैल्प बना दें और इसको सिंपल रख दें, ट्राउजर स्ट्रेट 5-6। इसकी नेकलाइन ना आपने गोल बना के ना आगे हल्की सी वी रखनी है, इसके आगे टैसल लगेगा, छोटा कट जो होता है। हाँ, छोटा कट होता है, यहाँ कहीं पे बना हुआ है अपने पास कपड़ों में, यहाँ पे कट जो होता है। हाँ, ये वाला, लेकिन ये गला बहुत बड़ा है। ये तो बड़ा, आपका नॉर्मल, मेरा गला बहुत छोटा होता है, तकरीबन 6.5-6.5 कम, डीप भी कम, 5 करें, 5 कर दो, बैग पे उसी तरह कट के साथ। हाँ, बहुत बड़ा गला नहीं बनाना, ठीक है, ये सिंपल ही बनाना है। अच्छा, लेंथ क्या रखें इस शर्ट की? जो लेंथ है आपने इसकी ए लाइन शेप रखनी है, 27-28 घेर रखना है इसका तकरीबन, और इसका ट्राउजर स्ट्रेट 39, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो आप तकरीबन 47 तक तैयार कर दें। 47, अच्छा, चेस्ट 20, हाँ, कमर 18, कमर नहीं, कमर मेरी 19 कर दें, कुर्ता स्टाइल बनेगा ये, और हिप्स 23.5, ठीक है, पांचा कितना करूं? 5-6, चौक 14, कितनी लेंथ रखवाई? 48 तक पाई, 47 47 तैयार। इसका ना आपने जब अंदर की तरफ कपड़ा मोड़ना ना नीचे से, तो हाँ, इसका कपड़ा 2-3 इतना मोड़ना। ये कितना इंच है ये? दामन पे या चौक पे? चौक और दामन दोनों पे। चौड़ा कह रही है? चौड़ा मोड़ना है और तुरपाई करनी है जरा, ठीक है, मैं तुरपाई चाह रही हूँ, सिलाई नहीं चाह रही मैं, खूबसूरत। हाँ, ये 2 पीस में असल में पीस कम होते हैं, आपको बता दूं, ये 4 गज की कटिंग दिया, 4 गज की दिया, 4 गज की कटिंग दिया उसने मुझे, इस सिलसिले कटिंग ज्यादा लाई हूँ। फिर ये आपने तुरपाई में लाना, ठीक है, जिससे ना नफासत हो जाए, ठीक है, और बाजू जो आगे से रखना है ना, वो इतना खुला रखना है जितना मैंने ये पहना हुआ है। ये 5 है ना कुर्ता स्टाइल में? ये कितना होगा ये आप नाप ले, हाँ, कुर्ता स्टाइल में 6, हाँ बस 6, ये कुर्ता स्टाइल, क्योंकि आजकल लूज फिट चल रहे हैं ना, के साथ करती है तो मैं कहता हूं वो लूज बात बहुत अच्छे लगे, वो बेल बॉटम में बेल कर लें, ठीक है, स्कैल्प भी अच्छे आ जाएंगे, ठीक है, बेल बना दें। हाँ, इतनी है, ठीक है, ठीक है उमर भाई, कर दें इतना, ठीक है, ये ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, हाँ इतना कर दें, ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा सा शॉप का बता दें प्लीज इस वीडियो में, कहाँ पर है? बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रही होगी। शॉप हमारी कमर्शियल मार्केट अलजन्नत मॉल के साथ गोल मार्केट है। गोल मार्केट में जैसे एंटर होंगी, पहली शॉप है उमर टेलर के नाम से है, साथ ही हमारी लैस की भी शॉप है उमर लैस के नाम से, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है। मैं यहाँ से भी एक दफा दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये चनार फैब्रिक के बिल्कुल ऑपोजिट जो है इनकी शॉप है। यहाँ पे सारे के भाई बैठे हुए हैं और ये खुद भी मास्टर साहब हैं, अभी इनसे ये सूट सिलाएंगे, ये आपने सीना है, ठीक है ना, इसके साथ ये के ऊपर मैं इसकी भी दिखा दूँ,
ये वैसे इसके ऊपर ये नहीं अच्छा लग रहा, बहुत ही सिंपल लगेगा। आप इसके बीच में थोड़ा कलर भी ऐड ऑन करें। डोरी व्हाइट ही रहेगी सर। हाँ ठीक है, टसल का कलर है। ठीक है कर दें ताकि एटलीस्ट मुझे मजा भी तो आए ना इसके ड्रेस की। जब इसकी देखें स्लीव वगैरह कितनी अच्छे से बनी है, तो कोशिश करेंगे वो कर दें। ठीक है, बटन की जगह मैं ये वाला फ्लावर यूज करूंगा। हाँ ये वाला फ्लावर यूज करें। ठीक है डन। ये आपने फ्लावर दिखाई, कौन सा लेस फ्लावर है ना ये फ्लावर है। ओके ठीक है, हम बटन की जगह लेस फ्लावर, इसके ऊपर आप कह रहे हैं बटन लगाएंगे। बस ठीक है डन हो गया। ये जो इसके साथ आप करोगे ना, ये भी पौने तीन है। ठीक है, ये जो इसके अंदर पिंक सा कलर आ रहा है ना, मजेंटा पिंक। हाँ ये अच्छा लगेगा या वो पर्पल अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा मजेंटा पिंक ना, मजेंटा पिंक करा देते। सो इसके साथ मुझे दुपट्टा प्लेन ही रखना था। ऑलरेडी ये फ्लावर प्रिंट है, तो इसके साथ अगर हम प्रिंटेड दुपट्टा लेते तो ड्रेस की वो लुक ही नहीं निकल के आती। तो कोशिश किया करें कि जब भी आपके ड्रेसेस इस तरह से ओवरऑल सेम प्रिंट में हो और जिनमें ऑलरेडी प्रिंट काफ़ी ज़्यादा हो, तो उसके साथ इस तरह से प्रिंटेड दुपट्टा ना लिया करें, प्लेन दुपट्टे का कम्बिनेशन कर लें। अब यहाँ पर आप इसके साथ वाइट दुपट्टा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके बीच में जो एक कलर आ रहा है पिंक, मैंने वो दुपट्टा किया है। और दुपट्टा मैंने कमर्शियल मार्केट में रंग वाली गली में जो चिनार फैब्रिक है उन्हीं से दुपट्टे लिए हैं। उनके दुपट्टों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और डाई भी मैं वहीं से ही करवाती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर करूंगी। अब इसके चौक के ऊपर आप देख लें, मैंने हाथ से तुरपाई करवाई है, मैंने सिलाई नहीं करवाई। मुझे तुरपाई ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मेरा था कि जो तुरपाई से नीटनेस आती है ना, वो सिलाई से नहीं आती। तो मैंने अपने चौक्स के जो दोनों चौक्स हैं शर्ट के, उनके फ्रंट बैक के ऊपर हाथ से तुरपाई करवा ली, और जो दामन था उस पर हमने स्कैलप और स्लीव्स मैंने थोड़े से बेल में रखे थे, और ज्वाइंट में मैंने 3D लेस लगवा ली। अभी आप लोग डिज़ाइन देख लें स्लीव्स का, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलर को भी दे सकते हैं। मैंने इसके ऊपर कुछ भी ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी इसका अपना प्रिंट ही फ्लावर वाला था और खूबसूरत प्रिंट था, तो अगर मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेसेस लगाती तो ये ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यूजुअली अब ऐसा हो गया है ट्रेंड में कि आप लोग ड्रेसेस को लेसेस वगैरह से भरने के बजाय अपनी ज्वेलरी के साथ उस ड्रेस को एक्सेसराइज करें, तो आपके ड्रेस की लुक निकल के आती है। तो फ्रंट स्लीव्स बेल में थे थोड़े से, और इसका जो बेल था वो तकरीबन हमने 12 इंचेस रखा था, और आगे से हमने स्कैलप बना लिया। अब ये दुपट्टा आप देख लें, मैंने इसके साथ प्लेन रखा। यूजुअली जितने भी डिज़ाइनर के ड्रेसेस होते हैं उनकी नेकलाइन के ऊपर इसी तरह के टैसल्स बने होते हैं, हैंडमेड बटन या हैंडमेड टैसल्स होते हैं। तो मैंने इसकी जो नेकलाइन थी वो गोल वी और आगे टैसल बनवा लिए थे, और स्लीव्स पे आपने देखा है जॉइंट में लेस और आगे स्कैलप, और इसकी लॉन्ग शर्ट थी और साथ मैंने इसका स्ट्रेट पैंट्स बनवा लिए थे। सिंपल दुपट्टा इसका रखा, दुपट्टे पे मैंने सिर्फ इसके जो है पाइपिंग करवा ली थी, जो सिंपल एजिंग होती है सेम कलर की, और वो भी मैंने इधर कमर्शियल मार्केट से ही करवाई थी। आप लोग इसकी स्लीव्स का डिज़ाइन देख लें कि बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, और सिंपल का सिंपल सूट है। सिर्फ आप इसको ज्वेलरी एंड एसेसरीज के साथ कैरी करें तो आपका ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अगर आप लोग फ्लैट के साथ जब ड्रेस को कैरी करते हैं तो उसकी डिफरेंट वाइब आती है, और जब आप हील के साथ ड्रेस को कैरी करते हैं तो उसकी बिल्कुल ही डिफरेंट वाइब आती है। ठीक है, तो अब आप लोग देख लें कि मैंने इस ड्रेस को हील के फ्लैट के साथ कैरी किया, लाइट न्यूड पिंक कलर के हील इसके साथ कैरी कर लिए, और सिल्वर एसेसरीज मिल लिए क्योंकि इसमें व्हाइट कलर था, एंड दैट्स इट। हम लोग गए थे जी मरी। अगर आप लोग मेरा ये डिटेल व्लॉग देखना चाहते हैं, डेली व्लॉग, कि हम लोगों ने मरी में अपना टाइम एक दूसरे के साथ कैसे स्पेंड किया, फैमिली टाइम कैसे स्पेंड किया, तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिसका नेम है रैम्बल विद इकरा। नेक्स्ट व्लॉग में रंग वाली गली की डिटेल वीडियो आ रही है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है।